वेलकम टू फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरे करेंसीज में सभी का स्वागत है। आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है स्टार्ट हो जाएंगे 11 तारीख से, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं 7 तारीख से। यदि आपका अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक बताऊंगा, गूगल के होम पेज से ओपन करके बता दूंगा। यदि आपके पास SSID नहीं है, भूल गए हैं, ठीक है, उसका पासवर्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना एडमिट कार्ड हम फिर भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको अपने नाम से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन नंबर से, यानी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है तो अपना एडमिट कार्ड जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल वेबसाइट से ओपन बताऊंगा आपको, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी गूगल से होम पेज में ओपन करके आपको बताऊंगा। तो गाइस, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया कैरी करेंसीज को, जरूर से सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो शेयर करो। तो गाइज, हमने गूगल का होम पेज भी अब ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट लिखनी होगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट में आपको इंट्रो में बताया था कि आपके पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एप्लीकेशन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है तो कैसे हम निकाल सकते हैं एडमिट कार्ड। यहाँ से मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम आरपीएससी लिख देंगे ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आरपीएससी होम पेज। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देख पा रहे हैं, इस तरह का। जैसे इस वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट को हम ओपन करेंगे आरपीएससी होम को, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ सूचना देखने को मिल जाती है, यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। आप आरपीएससी का हमने जो बात की थी एडमिट कार्ड के बारे में, यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, मैं आपको ओपन भी करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो गाइज, हम पहुंच गए हैं आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी है। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डायरेक्ट ओपन भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट का इंपॉर्टेंट लिंक से यहाँ पर देख सकते हैं, एडमिट कार्ड फॉर स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के अनुसार एग्जाम 2022 के अनुसार। यहाँ से जैसे इस पर प्रेस करेंगे, आपका डायरेक्ट लिंक वहीं पर ओपन होगा जहाँ से हमें एडमिट कार्ड इसे निकालना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। ये वाला जो लिंक है यहाँ पर इस तरह का, इसको हम ओपन भी कर लेंगे। जैसे इसको टिक करेंगे वैसे ही साइट आपके सामने ओपन भी हो जाएगी, एडमिट कार्ड का जो डायरेक्ट हमने एडमिट कार्ड मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिल जाती हैं काफ़ी सारी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे व्यू एप्लीकेशन, गेट एडमिट कार्ड, लॉगिन भी कर सकते हैं, ब्लैंक एप्लीकेशन प्रीव्यू निकाल सकते हैं, कैटेगराइज एप्लीकेशन पॉइंट काउंट कर सकते हैं, नो योर सेंट्रल लोकेशन भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज, हमें यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलेगा गेट एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं गेट एडमिट कार्ड के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो गाइज, इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा, ठीक है, गेट एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड के लिए प्री एग्ज़ाम। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं, आपका प्री का एग्ज़ाम है तो यहाँ से हम सेलेक्ट किया हुआ है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपका मेन का है तो यहाँ से मेन के लिए सेलेक्ट कर लें, इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू वाला सेलेक्ट कर लें। तो हमारा प्री के लिए एग्ज़ाम है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन नंबर, यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके, यानी इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह डेट ऑफ बर्थ खुलती है। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से हम सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली यहाँ से हम फिल भी कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है हमारा, ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, ये जो कैप्चा यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। यदि आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आता, चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे। तो गाइज, ये तो हमारा एडमिट कार्ड निकालने का था, डायरेक्ट हम आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो, यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, गुम हो गया, तो वो भी हम कैसे निकालेंगे, मैंने जैसे फर्स्ट इंट्रो में आपको बताया था। यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से होम पेज पर, जैसे इसके होम पेज पर पहुँचेंगे यहाँ पहुँच जाएंगे। ये पहुँचने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो ऑप्शन व्यू एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे, एंटर एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देख पाएंगे फॉरगॉट एप्लीकेशन आईडी, यहाँ से हम यहाँ पर देख पाएंगे फॉरगॉट एप्लीकेशन आईडी पे, जैसे हम क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, अपने नाम से भी अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास रिसिप्ट नंबर है तो इससे भी चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास ये दोनों ध्यान नहीं है तो मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर भी
आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नंबर याद नहीं है, एप्लीकेशन नंबर नहीं याद नहीं है, तो अपने नाम से तो ज़रूर याद होगा, वो नाम वाला सेलेक्ट ऑप्शन करके यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट नाम, फादर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा है ये वाला कैप्चा है यहाँ पर फिल कर देंगे, उसके बाद में गेट एप्लीकेशन आई डी फिल कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का, ठीक है। तो गाइस जब यहाँ पर मैंने कुछ एक डिटेल यहाँ पर फिल कर दिए, नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये जो कैप्चा है ये भी हमने फिल कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे गेट एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नीचे ऊपर जैसे हमने किया स्क्रोल बार, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गेट एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक कर देते हैं, साइट इस तरह थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए प्रोसेस चलेगी, चलने के बाद में तुरंत इस तरह का इंटरफेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम जैसे इसको स्क्रोल बार ऊपर करेंगे आपको एंटर एप्लीकेशन नंबर और आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो भी देखने को मिल जाती है यहाँ पर, और अपने जो यानी जो सब्जेक्ट फिल किया है वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। यानी मैंने आपको इस तरह से अपना एप्लीकेशन नंबर भी सर्च करने के रिलेटेड बताया है, ठीक है। इसी तरह अपने मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, अपने जो मोबाइल नंबर दिया था फॉर्म में वो नंबर याद है तो यहाँ से डायरेक्ट भी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं आपको मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ इसमें क्या दिखाया गया। इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, जो मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये फिल करने के बाद में जो कैप्चा है ये फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में क्या करें, गेट एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस कर सकते हैं। इसी तरह रिसिप्ट नंबर, हमारे पास रिसिप्ट नंबर है तो यहाँ पर रिसिप्ट नंबर और सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ ये फिल कर देंगे तो गेट एप्लीकेशन आईडी आपके सामने आ जाएगी। ये जो आपके पास एप्लीकेशन आईडी है ये आईडी वहाँ पर फिल करनी होगी आपको, ठीक है। जो आईडी फिल वहाँ पर हम करेंगे, वहाँ पर फिल करने के बाद में हमारा एडमिट कार्ड भी शो कर देगा, मैं वो भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब इसके हम होम पेज पे वापस चले जाएंगे यहीं से, ठीक है। अब हमने होम पेज पे क्लिक कर दिया है, होम पेज पे क्लिक करने के बाद में ये डायरेक्ट इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमने प्री के लिए बताया था आपका एडमिट कार्ड, यहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन नंबर मिला है हमें वो यहाँ पर फिल कर देंगे, जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में जो कैप्चा है फिल कर देंगे, फिल करने के बाद में आपको गेट एडमिट कार्ड हम डाउनलोड यहाँ से करके अभी दिखा देते हैं तुरंत, ठीक है। तो गाइस जब हमने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दिया है, कैप्चा फिल कर दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देते हैं। सॉरी गाइस हमने एप्लीकेशन नंबर गलत टाइप कर दिया, दोबारा से टाइप करें। तो गाइस जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट एडमिट कार्ड पे, जैसे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमने हमारा एग्जाम सेंटर भी देख लिया है यहाँ पर, ठीक है, एडमिट कार्ड भी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम जैसे स्क्रॉल बार ऊपर करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। अभ्यर्थी को कुछ सूचनाएँ देखने को मिल जाती है, अभ्यर्थी अपने साथ अपने फोटो युक्त मूल पहचान पत्र भी लेकर जरूर साथ लेकर आवें ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देख पा रहे हैं कंप्लीट ये एडमिट कार्ड हमारा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे एडमिट कार्ड से रिलेटेड, ये जो हमारा एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ये जो हमारा एग्जाम सेंटर है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट सिग्नेचर करना होगा यहाँ पर, यानी आपको पहले नहीं करना, आपको एग्जाम सेंटर के अंदर ही करना है रूम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इनलेजर सेंटर यहाँ पर, ठीक है। इसके हम दो प्रिंट निकाल लेंगे, दो प्रिंट निकालने के बाद में लेकर चल जाएगा कैंडिडेट। एक तो हमारा एग्जाम होगा 11 अक्टूबर को, दूसरा हमारा 14 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का डेट हमने देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें अपनी, कंप्लीट जो यहाँ पर लिखी हुई है ये डिटेल, ठीक है, क्या क्या लेके जाना है कंप्लीट। इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें ये कंप्लीट पढ़ के बता दिया था, और फिर भी आप ये चेक करना चाहें तो अपने प्रिंटआउट में भी आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का इंटरफेस, ठीक है। आपको सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा, वरना आपके कानून के रूल के फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस तो उसके लिए आप वेट करें, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड में जो आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिखा रखा है, इसमें एग्जाम सेंटर नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपका 4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो गाइज आपको वीडियो कैसे लिखा पे हमें कमेंट कर जरूर होता है, और इस वीडियो का लिंक मतलब वहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसके वेबसाइट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।